जय हिंद जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आज ये मैं ये वीडियो वीडियो लेकर के लेकर के आया आया हुआ हुआ हूँ हूँ एसएससी एसएससी सीजीएल सीजीएल 2022 2022 एग्जाम के एग्जाम के बारे में, बारे में, जिसके जिसके फॉर्म की फॉर्म की डेट डेट अभी अभी एक वीक एक पहले वीक पहले 13th ऑफ थर्टींथ ऑफ अक्टूबर को अक्टूबर खत्म को हुई खत्म है, हुई है और और अब अब इसका जो इसका है जो है करेक्शन की करेक्शन भी की भी डेट डेट कल कल खत्म हो खत्म हो चुकी है। चुकी है। ये ये वीडियो वीडियो स्पेशली मैं स्पेशली उन मैं उन स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के के लिए लिए लेकर लेकर के के आया आया हुआ हुआ हूँ, हूँ, जिनके जिनके मन मन में में अभी अभी भी भी एक एक तरीके तरीके की की ऊहापोह ऊहापोह मची मची हुई हुई है है कि कि मेरे मेरे पास पास समय समय कम कम है, है, कुछ कुछ सिलेबस सिलेबस छूटा छूटा हुआ हुआ है, है, कुछ कुछ चीजें चीजें मैं मैं करा करा हूँ, हूँ, कुछ कुछ चीजें चीजें नहीं नहीं करा करा हूँ, हूँ, और और कैसे कैसे पूरा पूरा होगा, होगा, कैसे कैसे एग्जाम एग्जाम को को दिया दिया जाएगा। जाएगा। छोटी सी छोटी सी स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी है है लगभग लगभग 45 डेज45 डेज की, की, इसे इसे फॉलो फॉलो कर कर करके करके मैं मैं इस इस बात बात को को दावे के दावे के साथ साथ कह कह सकता सकता हूँ हूँ कि कि आप आप क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग नेचर नेचर के के इस इस पहले पहले टायर टायर के के एग्जाम एग्जाम को को निकाल निकाल देंगे। देंगे। तो तो एक एक बार बार उन उन लोगों लोगों के के लिए लिए भी भी मैं मैं ब्रीफ ब्रीफ कर कर देता देता हूँ। हूँ। वैसे वैसे तो तो सारे सारे लोग लोग जाने जाने रहे रहे हैं हैं कि कि इस इस एग्जाम एग्जाम के के अंदर अंदर में में क्या 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 सब्जेक्ट सब्जेक्ट कैसे कैसे उनका उनका प्रोसीजर प्रोसीजर है, है, जिन जिन लोगों लोगों ने ने फॉर्म फॉर्म डाला डाला हुआ हुआ है, है, फिर फिर भी भी एक एक बार बार मैं मैं ब्रीफ ब्रीफ करता करता हूँ हूँ और और आपको आपको दिखा दिखा देता देता हूँ हूँ कि कि कैसे 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 आपको आपको स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी में में इन इन चीजों चीजों का का कैसे 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 महत्व महत्व रहेगा रहेगा और और कैसे कैसे आप आप फॉलो फॉलो करेंगे। करेंगे। तो तो जैसा जैसा कि कि हम हम सारे सारे लोग लोग जानते जानते हैं हैं कि कि इस इस एग्जाम एग्जाम के के अंदर अंदर में में एक एक हमारा हमारा जो जो सब्जेक्ट सब्जेक्ट होगा होगा वो वो मैथ्स मैथ्स होगा, होगा, जिसे जिसे हम हम क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव के के रूप रूप में में जानेंगे जानेंगे और और 25 25 क्वेश्चंस क्वेश्चंस इसके इसके होंगे। होंगे। इसके इसके बाद बाद हमारा हमारा जो जो है है रीजनिंग रीजनिंग है, है, रीजनिंग जो रीजनिंग है जो हम है हम लेकर के लेकर के चल रहे चल हैं, रहे ट्वेंटी हैं। फाइव 25 मार्क्स का मार्क्स ये का ये 25 25 क्वेश्चंस क्वेश्चंस इसके इसके होंगे। होंगे। फिर फिर इसके इसके बाद बाद हमारा हमारा इंग्लिश है, इंग्लिश है, इंग्लिश भी इंग्लिश हमारा भी जो हमारा होगा जो होगा वो वो 25 25 क्वेश्चन क्वेश्चन होगा, होगा, और और हमारा हमारा एक और एक है और है जीएस, जीएस, जनरल जनरल अवेयरनेस अवेयरनेस जिसे जिसे बोलेंगे, बोलेंगे, ये भी ये भी 25 25 क्वेश्चन का क्वेश्चन का होगा। होगा। अब अब इन इन चारों चारों सब्जेक्ट सब्जेक्ट को को अगर मैं अगर मैं कहूं कि कहूं कि आपको आपको 45 45 डेज डेज के के अंदर में अंदर में कैसे कैसे एक एक बार बार पढ़ना है पढ़ना है और और रिवाइज रिवाइज करना है, करना है, इस इस स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी को को मैं मैं आपको आपको बताऊंगा इस बताऊंगा इस वीडियो के वीडियो के अंदर में। अंदर में। तो एक तो बार एक बार हम हम इसमें बुक बुक लिस्ट लिस्ट भी भी हम हम लोग लोग डिस्कस डिस्कस करेंगे, करेंगे, जो जो कि कि कॉमन और कॉमन सबसे और सबसे ज्यादा ज्यादा पॉपुलर पॉपुलर बुक लिस्ट बुक है लिस्ट इस है इस एग्जाम के एग्जाम के लिए, लिए, तो वो वो बुक बुक लिस्ट भी लिस्ट एक भी बार एक बार देखेंगे। देखेंगे। ये ये मैंने मैंने एक एक छोटा छोटा सा सा जो जो है है पेज पेज तैयार तैयार कर कर रखा रखा है है आपके आपके लिए। लिए। आते हैं आते हैं सबसे सबसे पहले पहले मैथ्स मैथ्स के के ऊपर ऊपर में। में। मैथ्स में मैथ्स में ज्यादातर ज्यादातर स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के के पास पास में में या या तो तो आर आर एस एस अग्रवाल अग्रवाल की की बुक बुक होगी होगी या या फिर फिर राकेश राकेश यादव यादव सर सर की की बुक। बुक। इन इन दोनों दोनों बुक्स बुक्स में में से से कोई कोई भी भी बुक बुक अगर अगर आपके आपके पास पास है है तो तो आपको आपको परेशान परेशान होने होने की की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है, है, आपको आपको बुक बुक बदलने बदलने की की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। है। दोनों दोनों ही ही बुक बुक बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट है है दोनों दोनों में में से। से। कोई कोई सी सी भी भी बुक बुक लेकर लेकर के के अगर अगर आप आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस कर कर रहे रहे हैं, हैं, दैट दैट इज इज सफिशियंट। सफिशियंट। इसके इसके अलावा अलावा अगर अगर आप आप चाहते चाहते हैं हैं तो तो क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक, बैंक, चाहे चाहे आप आप एक एक किरण किरण पब्लिकेशन पब्लिकेशन की की चाहे चाहे अरिहंत अरिहंत की की फास्ट फास्ट ट्रैक ट्रैक दोनों दोनों में में से से कोई कोई सी सी भी भी एक एक लेकर लेकर के के आप आप तैयारी तैयारी अपनी अपनी और और स्ट्रांग स्ट्रांग कर कर सकते सकते हैं। हैं। दूसरा दूसरा आता है आता है हमारा हमारा रीजनिंग रीजनिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। रीजनिंग रीजनिंग सब्जेक्ट सब्जेक्ट में में मैं मैं आपको आपको अगर अगर मुझसे मुझसे पूछेंगे पूछेंगे तो तो मैं मैं बोलूंगा बोलूंगा कि कि एशियन एशियन की की बुक बुक आपके आपके लिए लिए बिल्कुल बिल्कुल सफिशियंट सफिशियंट है। है। इस इस बुक बुक को को आप आप अगर अगर कंप्लीटली कंप्लीटली दो दो बार बार तीन तीन बार बार कर कर लेते लेते हैं हैं तो तो रीजनिंग रीजनिंग में में से से आपका आपका एक एक भी भी क्वेश्चन क्वेश्चन गलत गलत नहीं नहीं होगा, होगा, ये ये फॉर फॉर श्योर श्योर है। है। कुछ कुछ बच्चों बच्चों ने ने किरण किरण क्वेश्चन क्वेश्चन लाइन लाइन भी भी ले ले रखा रखा है, है, कुछ कुछ लोगों लोगों ने ने दिशा दिशा पब्लिकेशन पब्लिकेशन की की भी भी ले ले रखी रखी है है बुक, बुक, ये ये दोनों दोनों बुक बुक भी भी ठीक ठीक है। है। अब अब आते आते हैं हैं इंग्लिश इंग्लिश में। में। इंग्लिश इंग्लिश में में नीतू नीतू सिंह सिंह की की बुक बुक जो जो है है वो वो आपके आपके इस इस एग्जाम एग्जाम के के लिए लिए बिल्कुल बिल्कुल पूरी पूरी और और कंप्लीट कंप्लीट है। है। इसके इसके अलावा अलावा दिशा दिशा और और किरण किरण की की बुक बुक है, है, जो जो कि कि ऑप्शन ऑप्शन टू टू और और ऑप्शन ऑप्शन थ्री थ्री में में जिनके जिनके पास पास है है वो वो उसे उसे भी भी पढ़ पढ़ सकते सकते हैं। हैं। जीएस जीएस के के लिए लिए मैं कहूंगा मैं कि कहूंगा कि आप आप लूसेंट लूसेंट को की ही को ही प्रेफर प्रेफर करें। करें। अगर अगर आपने आपने नहीं नहीं लिया लिया है है लूसेंट लूसेंट और और एसएससी एसएससी घटनाचक्र घटनाचक्र आपने आपने लिया लिया है है या कोई या और कोई बुक और बुक आपने ले आपने ले रखी है, रखी तो है, इन तो दोनों इन में से दोनों में से किसी एक किसी बुक एक को बुक को आपको आपको लेना लेना पड़ेगा। पड़ेगा। ये ये आपको आपको जो जो है है पूरा पूरा कंप्लीटली कंप्लीटली आपके आपके जो जो इस इस एग्जाम एग्जाम के के लिए लिए जीएस जीएस जितना जितना आता आता है है उस उस ये ये दोनों दोनों बुक्स बुक्स में में से से कोई कोई सी सी भी भी एक एक अगर अगर आपके आपके पास पास है है तो तो वो वो सफिशियंट सफिशियंट
कंसिस्टेंट है। अब एक बार बात करते हैं स्ट्रेटेजी कि 45 डेज के अंदर में हम कैसे करेंगे, जिसकी बात हमने पहले करी है कि 45 डेज के अंदर में आप अपनी इस पूरी की पूरी तैयारी को एक बार रिवाइज, एक बार पढ़ें और एक बार रिवाइज कैसे करेंगे। तो मैंने इसको पूरा डिवाइड करके देखा हुआ है, ये लगभग लगभग टाइमिंग है जो आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए देनी पड़ेगी। देखो दोस्तों, एग्जाम में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, और वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपके पास वो कॉम्पिटिटिवनेस होगी। जो लोग एग्जाम को अपीयर कर रहे हैं उनके एवेज में आपके पास भी उतना नॉलेज होना चाहिए, या फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस तब गेन होगा कि जब आप अपने सिलेबस को कई बार कर चुके हो। तो आपका जो सिलेबस है, जितनी चीजें उसके अंदर आने वाली है, ये मैंने आवर्स डिवाइड किए हैं जिसके अंदर में आप उन सभी चीजों को कवर कर सकते हैं, जिसमें आपको मैथ्स में 4 घंटे देने हैं, इंग्लिश के अंदर में 3 घंटे देने हैं, जीएस के अंदर में 3 घंटे देने हैं, रीजनिंग के अंदर में 3 घंटे देने हैं। ये आपको कंटिन्यूअसली विद कंसिस्टेंसी, ये नहीं कि आप 2 दिन पढ़े और 2 दिन आपने छोड़ दिया,
फिर इससे इससे आपको कुछ आपको नहीं कुछ नहीं हासिल हासिल होगा। होगा। इनकंसिस्टेंसी से इनकंसिस्टेंसी ये से ये होगा होगा कि कि जो जो आपने आपने पीछे पीछे पढ़ पढ़ रखा रखा है है वो वो भी भी आपको आपको भूलेगा भूलेगा ही ही भूलेगा। भूलेगा। तो तो अगर अगर आप आप चाहते चाहते हो हो कि कि अगर अगर आपके आपके पास पास ये ये सोच सोच रखा रखा हुआ हुआ है है टाइम टाइम कम कम है, है, इस इस फ्रेम फ्रेम के के अंदर अंदर में में मुझे मुझे इस इस एग्जाम एग्जाम को को कैसे कैसे निकालना निकालना है, है, तो तो फिर फिर आपको आपको कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी के के साथ साथ इतने इतने आर्स आर्स आपको आपको देने देने पड़ेंगे पड़ेंगे पूरे पूरे के के पूरे पूरे 45 45 दिन दिन विदाउट विदाउट एनी एनी गैप। गैप। आपको आपको टारगेट टारगेट करना करना है है मैथ्स मैथ्स के के अंदर अंदर में में लगभग लगभग 18 18 टू टू 20 20 क्वेश्चन, क्वेश्चन, रीजनिंग रीजनिंग के के अंदर अंदर में में आपको आपको टारगेट टारगेट करना करना है है 20 20 क्वेश्चन क्वेश्चन लगभग 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 जो जो कि कि हो हो जाएंगे जाएंगे आराम आराम से, से, और और फिर फिर इंग्लिश इंग्लिश में में भी भी सेम सेम है, है, लगभग लगभग 20 20 क्वेश्चन क्वेश्चन आप आप कर कर सकते सकते हैं। हैं। जीएस जीएस के के अंदर अंदर में में मैंने मैंने ये ये कर कर रखा रखा है है कि कि भाई भाई आप आप थोड़ी थोड़ी कम कम क्वेश्चन क्वेश्चन भी भी करते करते हैं हैं तब तब भी भी हो हो जाएगा, जाएगा, क्योंकि क्योंकि जीएस जीएस का का जो जो एरिया एरिया है है वो वो बहुत बहुत वाइड वाइड है है, और और इतने इतने कम कम समय समय के के अंदर अंदर में में पूरा पूरा कवर कवर कर कर पाना पाना थोड़ा थोड़ा सा सा मुश्किल मुश्किल है। है। इसलिए इसलिए मैंने मैंने जीएस जीएस को को बोला बोला है है कि कि अगर अगर आप आप जो जो है है 15 15 क्वेश्चन क्वेश्चन भी भी इसको इसको सही सही से से कर कर लेते लेते हैं हैं तो तो आपका आपका सिलेक्शन सिलेक्शन आराम आराम से से हो हो जाएगा, जाएगा, जो जो कि कि 140 140 के के आसपास आसपास जाकर जाकर के के रुकेगा रुकेगा कट कट ऑफ। ऑफ। क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग नेचर नेचर का का एग्जाम एग्जाम है, है, इसलिए इसलिए बिल्कुल बिल्कुल भी भी परेशान परेशान ना ना हो, हो, इससे इससे कोई कोई आपकी आपकी रैंकिंग रैंकिंग नहीं नहीं बनने बनने वाली वाली है, है, इससे इससे कोई कोई भी भी आपकी आपकी इस इस स्थिति स्थिति का का जायजा जायजा नहीं नहीं लिया लिया जाएगा जाएगा कि कि आपको आपको किसी किसी जॉब जॉब के के लिए लिए परफेक्ट परफेक्ट किया किया जाएगा जाएगा कि कि नहीं नहीं किया किया जाएगा। जाएगा। इससे इससे फर्स्ट फर्स्ट सिर्फ सिर्फ आपको आपको इस इस एग्जाम एग्जाम को को पास पास करना करना है, है, टैल टैल वन वन को को सिर्फ सिर्फ पास पास करना करना है। है। इसके बाद इसके का बाद जो का जो टैटू टैटू का का एग्जाम एग्जाम होगा होगा उस उस बारे बारे में में मैं मैं एक एक अलग अलग से से वीडियो वीडियो लेकर लेकर के के आऊंगा आऊंगा और और उसकी उसकी थॉरो थॉरो प्रिपरेशन प्रिपरेशन कैसे कैसे करेंगे करेंगे इस इस बारे बारे में में भी भी बताऊंगा। बताऊंगा। फिलहाल फिलहाल इस इस वीडियो वीडियो के के अंदर अंदर में में मैंने मैंने जो जो आपको आपको बताने बताने की की कोशिश कोशिश करी करी है, है, इन इन आवर्स आवर्स को को डिवाइड डिवाइड करिए, करिए, इन इन आवर्स आवर्स को को आपको आपको फॉलो फॉलो करना करना है, है, और और ये ये आपका आपका टारगेट टारगेट होना होना चाहिए चाहिए कि कि आपको आपको इन इन सब सब स्टैटिक स्टैटिक पोर्शन पोर्शन जो जो है है सब्जेक्ट्स सब्जेक्ट्स का का इन्हें इन्हें आप आप अच्छे अच्छे से से कवर कवर कर कर ले, ले, और और यही यही आपको आपको जीएस जीएस में में भी भी सिर्फ सिर्फ स्टैटिक स्टैटिक ही ही तैयार तैयार करना करना है। है। जीएस जीएस के के अंदर अंदर में में जो जो मैंने मैंने ये ये बुक्स बुक्स बताई बताई है है लूसेंट लूसेंट और और घटनाचक्र, घटनाचक्र, इन इन दोनों दोनों में में से से उन उन पोर्शन पोर्शन को को पढ़िए पढ़िए जो जो स्टैटिक स्टैटिक है। है। स्टैटिक स्टैटिक मतलब मतलब वो वो पोर्शन पोर्शन जो जो चेंज चेंज नहीं नहीं होने होने वाला, वाला, जिनका जिनका करंट करंंट अफेयर्स अफेयर्स के के साथ साथ में में कोई कोई ज्यादा ज्यादा रिलेशन रिलेशन नहीं नहीं है। है। और और मैथ्स मैथ्स जो जो कि कि आपका आपका एज एज इज इज हमेशा हमेशा रहने रहने वाला वाला है, है, जो जो चीजें चीजें हैं हैं जो जो सिलेबस सिलेबस के के अंदर अंदर वो वो कभी कभी नहीं नहीं बदलेंगी, बदलेंगी, तो तो इन इन चीजों चीजों को को जो जो है है आप आप पूरा पूरा तैयार तैयार कर कर सकते सकते हैं। हैं। रीजनिंग रीजनिंग है, है, एक एक लिमिटेड लिमिटेड पोर्शन पोर्शन आपके आपके एग्जाम एग्जाम में में आता आता है, है, पूरा पूरा तैयार तैयार कर कर सकते सकते हैं। हैं। इंग्लिश इंग्लिश है, है, एक एक लिमिटेड लिमिटेड पोर्शन पोर्शन आपके आपके एग्जाम एग्जाम में में आता आता है, है, पूरा पूरा तैयार तैयार कर कर सकते सकते हैं। हैं। इसके इसके अलावा अलावा दोस्तों दोस्तों मैं मैं एक एक बात बात और और कहूंगा कहूंगा कि कि आपको आपको कोई कोई पैसे पैसे खर्च खर्च करके करके किसी किसी टर्सरी टर्सरी या या इस इस चीज चीज को को ज्वाइन ज्वाइन करने करने के के किसी किसी कोचिंग कोचिंग में में ढेर ढेर सारे सारे पैसे पैसे पे पे करके करके आपको आपको पढ़ने पढ़ने की की जरूरत जरूरत नहीं नहीं है। है। लेवल लेवल वन वन के के एग्जाम एग्जाम के के लिए लिए इतनी इतनी प्रिपरेशन प्रिपरेशन 45 45 से से 50 50 दिन दिन की की मोर मोर देन देन इनफ इनफ होगी होगी आपके आपके लिए। लिए। आप आप अगर अगर चाहते चाहते हैं हैं उसके उसके बाद बाद भी भी और और थोड़ा थोड़ा सा सा आपका आपका कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस, आपका आपका आत्मविश्वास आत्मविश्वास लेवल लेवल ऊपर ऊपर चला चला जाए, जाए, तो तो इंटरनेट इंटरनेट पे पे कई कई ऐसी ऐसी वेबसाइट्स वेबसाइट्स हैं हैं जो जो फ्री फ्री ऑफ ऑफ कॉस्ट कॉस्ट आपको आपको जो जो है है टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज ज्वाइन ज्वाइन करवाती करवाती हैं, हैं, और और टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज आप आप टेस्ट टेस्ट दे दे सकते सकते हैं। हैं। एक एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल के के तौर तौर पे पे मैंने मैंने रखा रखा है है यहाँ यहाँ पे पे कि कि एग्जाम्पल एग्जाम्पल एक एक वेबसाइट वेबसाइट है, है, उस उस पर पर जाकर जाकर के के देख देख लीजिए, लीजिए, उस उस पर पर काफी काफी सारे सारे टेस्ट टेस्ट हैं हैं जो जो फ्री फ्री ऑफ ऑफ कॉस्ट कॉस्ट है। है। आपको आपको कोई कोई पैसे पैसे नहीं नहीं खर्च खर्च करने करने हैं, हैं, आप आप जाकर जाकर के के ऑनलाइन ऑनलाइन आराम आराम से से बैठ बैठ करके करके तसल्ली तसल्ली से से एग्जाम एग्जाम दीजिए दीजिए और और अपने अपने आप आप को को चेक चेक करिए। करिए। जी जी हाँ, हाँ, इस इस चीज चीज को को आपको आपको मैं मैं कहूंगा कहूंगा कि कि जरूरी जरूरी भी भी है। है। 15 15 दिन दिन के के बाद बाद एक एक बार बार जितना जितना आपने आपने पोर्शन पोर्शन पढ़ा पढ़ा हुआ हुआ उस उस पोर्शन पोर्शन को को एक एक बार बार अपनी अपनी नॉलेज नॉलेज चेक चेक करने करने के के लिए लिए इन इन वेबसाइट्स वेबसाइट्स पे पे जा जा करके करके टेस्ट टेस्ट सीरीज सीरीज जरूर जरूर दें दें और और अपने अपने आप आप को को देखें देखें कि कि आपका आपका लेवल लेवल कहाँ कहाँ तक तक पहुंच पहुंच गया गया है। है। दूसरी दूसरी चीज चीज कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस रखें, रखें, जो जो पढ़े पढ़े उसे उसे रिवाइज रिवाइज जरूर जरूर करें, करें,